गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग आयुष गुड मॉर्निंग उत्कर्ष गुड मॉर्निंग प्रकाश सुरेंद्र गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को देखिए कल हमने पढ़ा था एक फेस्टिवल फेस्टिवल का नाम है चापरकूट चापरकूट त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये आपको याद रखना है मिजोरम में इसका सेलिब्रेशन होता है उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम और यहाँ पे बच्चे इस त्यौहार को मनाए जाने का जो कारण है वो है आपका झूम खेती देखिए झूम खेती में झूम कल्टिवेशन में जो जंगल होते हैं जंगलों का जो एरिया होता है उसे साफ किया जाता है और उसके बाद में वहाँ पर कृषि की जाती है खेती की जाती है ठीक है तो उसी प्रोसेस के बाद में यहाँ पे आपका भगवान को थैंक करने के लिए नेचर को थैंक करने के लिए आपका चापरकूट त्यौहार मनाया जाता है तो याद रखना मिजोरम में इसका सेलिब्रेशन होता है अगला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इस योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाए जाते हैं और बच्चे लगभग यहाँ पे देखिए पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश हमारे देश का पहला स्टेट बन गया है ठीक है तो ये या आंकड़ा याद रखना पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड इन्होंने जारी किए हैं और यूपी ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला हमारे देश का पहला स्टेट है और जन आरोग्य योजना के बारे में बहुत बेसिक सी चीजें दो में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कहां से लॉन्च की ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है अगला बच्चे हमने देखा एक और गवर्नमेंट स्कीम धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उड़ीसा के जो स्टूडेंट है ठीक है उड़ीसा में जिन बच्चों ने स्नातक किया हुआ है ग्रेजुएट किया हुआ है उन बच्चों के लिए आपका ऑडी सर्व के नाम से एक योजना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ठीक है तो एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ठीक है और स्किल डेवलपमेंट होने के बाद में जिस चीज़ में बच्चे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा उससे रिलेटेड जो है उन्हें डिग्री या फिर जो भी सर्टिफिकेट होता है वो दिया जाएगा ठीक है तो इसे आपको याद रखना है ओडिशाव उड़ीसा के यूथ के लिए अगला बच्चे हमने देखा कि हमारी कंट्री में पहली बार जो है जो नौकायान होती है छोटी नौका होती है जैसे टग कहा जाता है ऐसी पहली टग बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से ग्रीन फ्यूल से चलती है हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है ठीक है तो इस टग का नाम आपको याद रखना है ओसियन ग्रेस इसका नाम है और इसका इनोग्रेशन किसने किया है सर्बानंद सोनवाल के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है और सरकार का ये लक्ष्य है कि दो तक ट्वेंटी तक हमारी कंट्री में जितने भी बंदरगाह है बंदरगाहों में इस्तेमाल होने वाले जो टग हैं उन सभी को रिप्लेस किया जाएगा ग्रीन टग से ठीक है ठीके? तो ये आपको याद रखना है सरकार का उद्देश्य और पोर्ट के बारे में मैंने आपको, आ, कुछ उड़ीसा में प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल बंदरगाह नेचुरल पोर्ट है और ये कहां पर स्थित है ये उड़ीसा में उड़ीसा को जो तट है वहां पर महानदी और बंगाल की खाड़ी महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है जिसपे की बना हुआ है ठीक है तो महानदी और बंगाल

है तो इन चांदी की धागे से बनाई गई मूर्तियों को क्या दिया गया है भारत सरकार की तरफ से जी टैग दिया गया है तो ये आपको याद रखना है कि चांदी तरा यह अगली न्यूज हमने डिफेंस रिलेटेड पढ़ी सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बच्चे सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है ठीक है तो इनका नाम याद रखना और इनकी जो फोर्स है बीएसएफ बीएसएफ के बारे में जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है आपकी फोर्स बनाई गई

कम जो है आपके ईयर पूछे जाते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था बच्चे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसके बाद से जो है आपका इंडियन गवर्नमेंट को उस समय उस समय की के जो केंद्र सरकार थी उन्हें यह महसूस हुआ कि इन बाउंड्रीज को ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है इन्हें जो है आपका आ, सिक्योर करने की ज़रूरत है इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है उसी के लिए जो है इसे इसका गठन किया गया सीमा सुरक्षा बल का ठीक है याद रखना इसे अगला हमने दूसरी खबर भी डिफेंस से ही रिलेटेड पड़ी सी हॉक सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और ये बच्चे आपका आ, बनाए गए हैं एक अमेरिकन कंपनी ने बनाए हैं अमेरिका ने इसे बनाया है लेकिन भारत के इंडियन नेवी के लिए इसे बनाया गया है भारतीय नौसेना के लिए इसे बनाया गया है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 6 मार्च 2024 को कोची के नौसैनिक वायु स्टेशन में ये जो बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर हैं इन्हें इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है नाम याद रखना सी हॉक्स ठीक है तो सी हॉक्स क्या है ये जो है आपका एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है मल्टी रोल मतलब कि एक साथ बहुत सारे काम कर सा सकता है ठीके? यहां से जो है आप लोग मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं ठीक है ठीके? अलग अलग जगह से जो है आपका ये भर सकता अगला से है कि ने अपना कर दिया है और इसका नाम जो रखा है फ्लिपकार्टूपीआई अब फ्लिपकार्ट के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो कौन से बैंक ने किया है तो बैंक का नाम भी आपको याद रखना है एक्सिस बैंक देखिए है फ्लिपकार्ट बचे ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ से कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं बहुत कुछ जो है आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं अब ये इसने क्या किया है एक यू ठीक है यू सर्विस भी अपनी जारी कर दी है मतलब आप इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फ्लिपकार्ट यू का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं ठीक है देके? तो इसका नाम याद रखना फ्लिपकार्ट यू इन्होंने इसका नाम रखा है और ये सर्विस जो है इनके लिए डेवलप किसने की है एक्सिस बैंक ने इनके लिए ये सर्विस डेवलप की है ठीक है इतना याद रखना अगला हमने एक एग्रीमेंट पढ़ा इंडिया और निकारागुआ के बीच में इंडिया और निकारागुआ के बीच में बचे आपका एक एग्रीमेंट हुआ है मेडिसिन से लेकर के ठीक है वैसे इसका जो एक टर्म है ऑफिशियल जो टर्म है वो है आपका फार्माकोपिया फार्माकोपिया कॉरपोरेशन को लेकर के आपका ये क्या है एग्रीमेंट है और अभी तक वे हमारे देश के साथ में जो इंडिया के साथ में जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ में हमने फार्माकोपिया को लेकर के एग्रीमेंट किया है वो मैंने आपको बताया सिर्फ पांच ही देश हैं ये छठवा देश होने जा रहा है जिसके साथ में भारत ने अपना जो फार्मा

जहाँ तक मुझे मिला है एन का ये आपका पूरी तरीके से मतलब नॉन टेक पे ही जाएगा क्योंकि टेक्निकल काफी आसान आया है सभी बच्चों के लिए तो नॉन टेक जिसने किया होगा उसके लिए काफी अच्छा होगा पहली न्यूज़ क्या है गूगल गूगल ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एग्रीमेंट किया है अब एग्रीमेंट जिसके साथ में किया है बच्चे वो तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन जिस विषय पे क्या है वन सेकेंड देखिए, ने समाचार प्रकाशकों और तथ्य जांचकर्ताओं के एक संघ शक्ति हमारे हिंदुस्तान में भारत में बचे बहुत सारी न्यूज एजेंसीज हैं, जिन्होंने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शक्ति आपने क्विंट का नाम सुना होगा बहुत बड़ा जो है आपका मीडिया प्लेटफॉर्म है ठीक है क्विंट बहुत बार जो है यहाँ से खबरें भी आप लोग देखते हैं इनका यूट्यूब चैनल भी है ठीक है तो एक तरीके से आपका एक मीडिया हाउस है क्विंट तो ंड है और भी बहुत सारी जो है इसमें न्यूज एजेंसीज हैं जिनको जिन्होंने मिल करके जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है शक्ति नाम से अब ये शक्ति क्या करेगा शक्ति बच्चे जो फैक्ट चेक वाले जो काम होते हैं ना आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जो है आपकी फैक्ट जो फेक न्यूज होती है वो स्प्रेड हो रही है ठीक है पिछले कुछ समय से जब से आपका इंटरनेट सभी के पास में पहुंचा है उसके बाद से जो है आपकी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है कि एक तो गलत खबरें जो है बहुत ज्यादा जल्दी सर्कुलेट होती है ठीक है आपको अगर कोई भी प्रोपेगेंडा अगर फैलाना हो मतलब आपका कोई मत

का ईयर है ठीक है इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जो है आपका बहुत सारी जो है ऐसी तरीके की प्रैक्टिस की जाती है ठीक है मतलब पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा या फिर पार्टीज के जो आपके कार्यकर्ता होती हैं उनके द्वारा जो है आपके फॉल्स और नैरेटिव सेट करने की कोशिशें की जाती है तो उसे देखने के लिए उसके चेक करने के लिए जो है आपका शक्ति नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है और गूगल के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम जो है इसे क्या करने वाले हैं इसे सपोर्ट करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो एक एग्रीमेंट जो है इन दोनों के बीच में हुआ है ये या आपको याद रखना है गूगल इंडिया की अगर हम बात करें बच्चे तो नाइनटीन में यह आपका जो कंपनी है बनी है इसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए में है कैलिफोर्निया में और गूगल इंडिया के जो आपके सी

खबरें जो है ये देखा जाएगा कि जो हैं कितनी सच्ची और कितनी झूठी हैं, ठीक है ठीके? तो ये जो है फैक्ट चेक के लिए आपका प्लेटफॉर्म बनाया गया है शक्ति नाम से प्लेटफॉर्म है और इसे जो है सपोर्ट कर रहा है गूगल इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है इतना आपको याद रखना है ठीक है अगला देखिए बच्चे एल का नया इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बन गया है कहाँ पर बना है ये बना है आपका जी सिटी इसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गिफ्ट सिटी जो है आपका गुजरात में है गिफ्ट सिटी का जो आपका फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ठीक है तो वहां पे जो है आपका ये जो जी सिटी है इसके अंदर ही एल का नया इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर खोला गया है इसको इनोग्रेट किया है वर्तमान जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है बच्चे निर्मला सीतारामन उनके द्वारा जो है

आईसी कब इस्टेब्लिश हुआ था तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में हम क्या न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इसका एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सेंटर खोला गया है कहाँ पे गुजरात में गुजरात के अंदर आपका जो गिफ्ट सिटी है इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है इसलिए बता रही हूँ आपको याद रखना गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है इसका पूरा नाम है ठीक है अगला है बच्चे एक और स्टेट ये स्टेट है आपका तेलंगाना तेलंगाना सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है ठीक है तेलंगाना में जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम याद रखना इनका नाम है ए रेवंत रेड्डी ठीक है ए रेवंत रेड्डी इनका नाम है और इनके द्वारा एक नई स्कीम की घोषणा की गई है स्कीम का नाम है इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि आवास देने की बात की जा रही है लोगों को घर देने की बात की जा रही है अब बच्चे इस, इस स्कीम को जो है दो फेज़ में चलाया जाएगा एक तो वो लोग हैं जिनके पास में बिल्कुल भी घर नहीं है और उनके पास नहीं ना ही कोई जमीन का टुकड़ा है ठीक है विदाउट हाउस और विदाउट प्लॉट ठीक है मतलब ज़मीन भी नहीं है और घर तो खैर बेसिकली है ही नहीं तो एक तो वो वाले लोग हैं दूसरे वो लोग हैं जिनके पास में जो है अपनी ज़मीन तो है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा नहीं है ठीक है तो इस स्कीम को दो फेज में चलाया जाएगा पहले जो लोग होंगे जो कि बेघर व्यक्ति और जिनके पास में प्लॉट भी नहीं है सरकार जो है उन्हें घर बनाने के लिए पाँच लाख रुपये देगी और प्लॉट भी जो है मुहैया करवाएगी ठीक है तो प्लॉट का बच्चे बेसिकली इनिशियली इन्होंने जो एरिया रखा है वो है आपका 250 स्क्वायर यार्ड ठीक है 250 स्क्वायर यार्ड का जो है प्लॉट दिया जाएगा और दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनके पास में अपना प्लॉट तो है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा नहीं है उन्हें आपका सिर्फ पाँच लाख रुपये दिए जाएंगे ठीक है तो ऐसी स्कीम मैंने आपको कहा है ना जहाँ पर सरकार जो है वित्तीय सहायता करती है जहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर पैसा दिया जा रहा है लोगों को वो स्कीम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं तो इसे याद रखना तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी उनके द्वारा जो है आपका इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम की घोषणा की गई है इसके तहत जो बेघर लोग हैं जिनके पास में घर नहीं है जिनके पास में जमीन नहीं है उन्हें सरकार के द्वारा जमीन भी प्रोवाइड की जाएगी और घर भी दिया जाएगा ठीक है दो फेज में से चलाए जाना है इतना आपको याद रखना है अब आते हैं स्टेट के बारे में तेलंगाना से रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी कहाँ पर हैदराबाद में है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम याद रखना ए रेवंत रेड्डी इनका नाम है उसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नर हैं इनका नाम है तमिलसियाई सुंदर राजन ठीक है पूरा नाम याद रखना तमिलसियाई

पूछा जाता है तो फोक डांसेस याद रखना उसके अलावा कुछ पॉपुलर फेस्टिवल्स है यहाँ पे त्योहार है एक तो है बोनालू और एक है आपका बथुकम्मा ठीक है तो बथुकम्मा और बोनालू जो है आप लोगों ने इसे आंध्र प्रदेश में पढ़ा होगा क्योंकि बच्चे आंध्र प्रदेश से ही सेपरेट होकर तेलंगाना बना है इसीलिए इनका जो कल्चर है ना कुछ कुछ बहुत हद तक जो है मिक्स है ठीक है तो बथुकम्मा और बुनालू जो है आपका तेलंगाना से रिलेटेड आपके फेस्टिवल्स हैं और यहाँ के सरकार के द्वारा यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिस योजना में लोगों को पैसे दिए जाएंगे कितने रुपए कितने रुपए दिए जाएंगे घर बनाने के लिए पांच लाख रुपये जिनके पास में प्लॉट नहीं है उन्हें कितनी जमीन दी जाएगी उन्हें पहले जो है आपका टू स्क्वायर यार्ड जमीन दी जाएगी उसके जो है घर बनाने के लिए पांच लाख रुपए दिए जाएंगे ठीक है तो योजना जो है आपका याद रखना चलिए अब एक स्कीम है आपकी वस्तु तो हिस्ट्री से रिलेटेड है शोधकर्ता जो बच्चे आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा चेन्नई में तमिलनाडु में चेन्नई है ठीक है चेन्नई के पास में एक जगह है जिसका नाम है चेट्टी पाथुर चेट्टी मेदू पाथुर कहाँ पे है चेन्नई में है इस जगह में यहाँ के जो शोधकर्ता है उन्हें जो है आपका एक बहुत पुरानी नवपाषाण काल का बच्चे एक शव मिला है ठीक है एक बच्चे का नौ से ग्यारह साल की उसकी उम्र बताई जा रही है तो एक बच्चे का शव मिला है और उसके साथ में जो है शव के साथ में जो है आपका बर्तन भी मिला है मतलब शव के साथ में बर्तन जो दफाए दफनाए जाने का जो आपका एविडेंस है वो आपका नवपाषाण काल का इसे याद रखना हिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप लोग हिस्ट्री की शुरुआत ही होती है इन पीरियड से जब हम स्टोन एजेस के बारे में

क्या सीख लिया था सबसे सब पहली बात बच्चे उन्होंने जो है आपका न्योलिथिक पीरियड में इन्होंने क्या क्या सोचा था क्या क्या सीख लिया था पहले ये हंटर हुआ करते थे आपको पता है ना शिकारी हुआ करते थे ठीक है तो ये जो है आपका अब ये जो हंटर या फिर जो शिकारी वाला जो पीरियड था वो लगभग जो है आपका खत्म हो चुका था नवपाषण काल तक अब इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर लिया था ठीक है याद रखना इसीलिए इसे कहा जाता है न्यू स्टोन एज अब इन्होंने जो है एग्रीकल्चर खेती करना जो है इन्होंने सीख लिया था इन्होंने खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना सीख लिया था ठीक है दूसरा इन्होंने क्या सीखा था इन्होंने इनके जो आपके टूल थे जिनसे ये आपका शिकार करते थे उन टूल को थोड़ा सा आकृति देना उन्हें पॉलिश करना जो इन्होंने सीख लिया था ठीक है दूसरा इन्होंने क्या सीखा था बच्चे इन्होंने इन्होंने जो है आपका एनिमल्स एनिमल्स जानवरों को पालना सीख लिया था उनसे हमें क्या क्या फायदे हैं उनका फायदा उठाना इन्होंने सीख लिया था ठीक है साथ ही में पहले ये क्या हुआ करते थे खाना बदोश हुआ करते थे कभी यहाँ पे हैं आज यहां पे हैं परसों जो है दो किलोमीटर आगे चले गए फिर जो है कहीं कहीं पे है इस तरीके से जो है इनकी लाइफ चलती थी ठीक है यहाँ पे न्यू स्टोन एज में आकर के बच्चे इन्होंने पहली बार जो है आपका एक जगह पे परमानेंट सेटलमेंट जो है आपका सीख लिया था ठीक है घर बनाना सीख लिया था एक जगह पर रह के जो है आपका कैसे गुजारा किया जाता है वो इन्होंने सीख लिया था ठीक है ये इनका हो गया उसके अलावा जो है इन्होंने क्राफ्ट एज पॉइट्री जैसे कि क्राफ्ट क्राफ्ट में आप तो एक तो पोट्री आता है ठीक है पोट्री इन्होंने सीख लिया था साथ ही में आपका जैसे घास हो गया आपका जैसे आपका वुल हो गया मतलब जो थ्रेड जैसी जो चीजें होती है उन्हें बुनना सीख लिया था इन्होंने ठीक है क्राफ्ट सीख लिया था उसके बाद बचे इन्होंने जो है आपका घर बनाना सीख लिया था और घर जब इन्होंने इनिशियली बनाई ना ये रेक्टेंगुलर

कैसे बनाया जाता है कैसा उगाया जाता है वो सीख लिया ठीक है और खाने को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है तो एल्कोहल बच्चे सबसे पहली बार जो है यहीं यही प्रोड्यूस किया गया था याद रखने से ठीक है न्यू स्टोन एज में न्यू स्टोन एज में तो इसकी जो विशेषताएं हैं यहाँ से आपका जो नवपाषाण काल है वो आपका चर्चाओं में आया है इसीलिए नवपाषाण काल की जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है ठीक है हिस्ट्री का ये वाला जो आपका आ, स्टेज है ना बचे जब व्यक्ति जो है डेवलप हो रहा था ठीक है उसमें जो है इवोल्यूशन आ रहा था तो वो वाला पीरियड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कौन से काल में हमने क्या सीखा है तो नवपाषण काल के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे व्यक्ति ने जो है आपका एक तो परमानेंट सेटलमेंट सीख लिया था ठीक है कैसे रहा जाता है एक जगह पर रुक के और परमानेंट सेटलमेंट कैसे सीखा होगा ऑब्वियस ही बात है जब उसने खेत लगाए होंगे है ना जहाँ पे उसने फसल बोई है तो उस खेत की देखभाल करने के लिए उसे वहीं पर रहना पड़ेगा ना तो इसीलिए बच्चे उसने क्या किया घर बनाना शुरू किया घर बनाना जब शुरू किया तो सबसे पहली बार जो है उसने रेक्टेंगुलर शेप को चुना ठीक है ज्यादा आसान होता है और दूसरा जो है अपनी सुरक्षा के लिए उसने जो है सर्कुलर शेप को चुना ठीक है तो इसे इस तरीके से याद रखना इस टाइम पीरियड की देखिए इसमें जो आपके स्टोन एजेस है ना अलग अलग इसमें पीरियड आते हैं ठीक है तो मिजोलिथिक न्योलिथिक तो हर पीरियड की विशेषता आपको पता होनी चाहिए कि इवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था ठीक है कब उसने आग जलाना सीखा कब पहिए का निर्माण हुआ कब जो है आपका एल्कोहल जैसे यहाँ पे आपकी विशेषता है कि एल्कोहल पहली बार प्रोड्यूस किया गया तो सिर्फ एल्कोहल नहीं बचे जब उसने फूड ग्रेन्स को उगाना शुरू किया तो फूड ग्रेन से ही आपको पता है एल्कोहल बनता है ठीक है तो अल्कोहल सबसे पहली बार जो है आपका यहीं पे प्रोड्यूस किया गया था ये आपको याद रखना है न्यू स्टोन एज में और जो न्यूज़ है वो तो बेसिकली याद रखनी है अगला है आपका आर है। अब ये टर्म जो है आप पहली बार सुनेंगे कुछ बच्चों ने सुना होगा नहीं तो आप लोग पहली बार सुनने जा रहे हैं एक टर्म है बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गिफ्ट सिटी में जी का मतलब गांधीनगर नहीं गुजरात बच्चे गुजरात ठीक है है ये गांधीनगर में बनाया गया है लेकिन गुजरात है अच्छा एक टर्म आज आप लोग सीखने जा रहे हैं इस ये टर्म है आपका जूस जेकिंग जूस जैकिंग जैसे हैकिंग होता है ना वैसे आपका जैकिंग होता है ठीक है अभी इसके बाद में पढ़ेंगे आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है ठीक है सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है आपके लिए और हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरबीआई ने लिखा है कि जब आप लोग किसी बाहर हो घर से बाहर हो तो आप लोग बचे अधिक जैसे फोन की बैटरी खत्म हो गई तो हम क्या करते हैं अपने आसपास जो है जो पब्लिक जगह में जो आपकी सार्वजनिक जगह होती है वहां पे जो पोर्ट लगाए रहते हैं ठीक है ठीके? उनका इस्तेमाल करते हैं अपना फोन चार्ज करने के लिए ठीक है तो आर ने कहा है कि जब भी आप जो है सार्वजनिक जगह पे हो ठीक है पब्लिक प्लेसेस पे हो वहां पर बचे कि अपना फोन चार्ज करना पड़े आपको ठीक है तो जो पब्लिक पोर्ट है वहां पर फोन चार्ज करने से बचे ये सर्कुलर जो है उन्होंने जारी किया है ठीक है अब ये सर्कुलर क्यों जारी किया है ये सर्कुलर इसलिए जारी किया है क्योंकि यहां से आपका जूस जैकिंग बचे ये हो रहा है ठीक है अब जूस जैकिंग क्या है जूस जैकिंग के बारे में पढ़ते हैं ये जो शब्द है ना जूस जैकिंग ये सबसे पहली बार 2011 में आया था इसे कॉइन किया था यानी कि इसे जो है आपका नाम दिया है ब्राइन कैप्स ने ठीक है एक पत्रकार है जर्नलिस्ट है ब्राइन क्रैप्स इनके द्वारा जो है शब्द दिया गया था अब जूस जैकिंग में क्या होता है यहाँ पे देखिए फोटो में बड़ी अच्छे से दिखाया हुआ है आपने किसी जो है जो पब्लिक प्लेस पर लगा हुआ आपका चार्जिंग पोर्ट है उस पर अपना चार्जर लगाया वहां से जो है अपना फोन चार्ज किया ठीक है और जूस जैकिंग बच्चे क्या होता है जो पब्लिक प्लेसेस लगाए गए जो पोर्ट होते हैं ना चार्जिंग पोर्ट वहां से व्यक्ति जो है आपकी इन्फॉर्मेशन आपको हैकर दिख रहा है ठीक है तो यहाँ से जो है आपकी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ना वो सारी की सारी जो है अपने पास ले सकता है ठीक है तो इसके जो खतरे हैं ये आपका एक साइबर थ्रेट है ठीक है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा सकती है आपकी बहुत जो है आपकी कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती है वो जो है इस हैकर के पास में जा सकती हैं ठीक है ठीके? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जूस जेकिंग ठीक है ये प्रोसेस देख रहे हैं आप इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका जूस जेकिंग ये ना हो जाए आपके साथ में इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि आप बचे कि पब्लिक जो आपके प्लेसेस होते हैं सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए जो पोर्ट होते हैं ना वहां पे अपना फोर्ड चार्ज करने से बचे ठीक है आपके लिए भी है अब ध्यान से ठीक है अधिकतर हम कहाँ पे करते हैं ज़्यादातर बच्चे जब रेलवे आप लोग ज़्यादा जो है रेलवे से ट्रेवल करते हैं ठीक है एग्जाम देने के लिए एक शहर से दूसरे जगह जाना पड़ता है तो रेलवे में जो आपका लगे रहता है ट्रेन्स में लगे रहते हैं ठीक है वो भी हो सकते हैं वो भी सार्वजनिक स्थान है ठीक है तो मतलब कोशिश करें कि अपना फ़ोन जो है घर से ही चार्ज करके ले जाएँ और रास्ते में जो है नेटफ्लिक्स देखने की जरूरत नहीं है ठीक है जब तक जो है घर वापस ना आ जाए तब तक चार्ज करे उसके चार्ज को खत्म मत होने देना ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है जूस जेकिंग आज आपने नया शब्द सीखा है इसके बाद में याद रखना 2011 में जो है आपका ये शब्द गढ़ा गया है किसने यह शब्द एक पत्रकार है ब्राइन क्रिप्स इनके द्वारा शब्द आपका दिया गया है ठीक है चलिए अब अगली न्यूज़ है आपकी साइंस एंड टेक्स रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जी आई बी इसे कहते हैं जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है भारत की जो लोग हैं हमारे जो लोग हैं ना हम हमारे हम जो लोग हैं हमारी जो है आनुवंशिक मैपिंग हो रही है ठीक है जिनोम मैपिंग जो है इंडिया के लोगों की की जा रही है तो उस जिनोम मैपिंग में जो है आपका जो साइंटिस्ट है रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा जो है आपका पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जैसे कि अभी इन्होंने एक प्रोजेक्ट समाप्त किया है प्रोजेक्ट का नाम है आपका दस हजार जिनोम परियोजना ठीक है दस हजार जिनोम परियोजना में ये जो आपके रिसर्चर्स हैं इनके द्वारा क्या किया गया लगभग भारत में जो है आपके 90 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया और 90 डिस्ट्रिक्ट के लोगों का जो है आपका जिनोम मैपिंग की गई ठीक है तो ये जो परियोजना है आपकी ये पूरी हो गई है इसकी घोषणा की है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बच्चे आपकी योजना चल रही है ठीक है जिनोम मैपिंग जो है आपका किया जा रहा है मतलब अनुवांशिक कि लोगों की नस्ल कैसी है कौन व्यक्ति कहाँ से आया है ठीक है इस तरीके की भारत में जो रह रहे लोग हैं इनका मूल क्या भारतीय है या फिर बाहर से आए हैं इस तरीके की जो चीजें होती है ना हमारी अनुवंशिक से रिलेटेड वो जो है आपकी चीजें पता लगा की कोशिश की जा रही है जिसमें कि पता लग सके कि भारत में रह रहे जो लोग हैं इनके नस्ल एक्चुअल में के पे जो रह रहा जो व्यक्ति है उसका मूल स्थान क्या है ठीक है तो इस तरीके की मैपिंग जो है आपकी की जा रही है भारत में और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एकदम से समाप्त नहीं होगा ठीक है पूरी दुनिया में बचे आपका हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज जो है इसका काम कर रही है ठीक है तो इंडिया भी इस पर काम कर रहा है अभी जो है आपका जो ये मंत्रालय आप देख रहे आई टी जो आपका मिनिस्ट्री है इनके द्वारा जो है आपका ये परियोजना चलाई जा रही है और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है जैव प्रौद्योगिकी विभाग ठीक है इस डिपार्टमेंट के द्वारा यह परियोजना पूरी होने की घोषणा की गई है अभी जो है आपका इसे इनिशियली अभी आप लोग देख रहे हैं दस हजार जिनोम अब दोबारा से जो है आपका दस हजार या फिर बीस हजार जिनोम की दोबारा से एक प्रोजेक्ट आएगा ठीक है तो बहुत समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ठीक है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो इस पूरी परियोजना को पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा इसे जो है आपका छोटे छोटे फेजेस में कंप्लीट किया जा रहा है ठीक है याद रखना दस हजार जिनोम आपकी खत्म हुई है अभी अब देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट में ना बहुत सारे जो है आपके हमारे लैब जो होती हैं, बहुत सारे होते हैं वो लगे वहां के रिसर्चर्स सी का बेंगलुरु और दूसरा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये हैदराबाद में है ठीक है इसे भी याद रखना कहां पर हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ये जो आपका सेंटर है ये आपका हैदराबाद में है ये दो जो है इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं ठीक है याद रखना ये जो दो Institute है ना यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं साइंटिस्ट हैं ये इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं लेकिन लगभग बच्चे 20 से 22 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरे देश भर में जो कि इस पर काम कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत बड़ी योजना है ये सरकार की और धीरे धीरे आपकी कंप्लीट होगी ठीक है तो इस योजना के बारे में याद रखना अब आप कहेंगे कि जो जीनोम मैपिंग हुई है ये जो जीनोम परियोजना है इसमें आपके सैंपल इकट्ठा किए गए होंगे ठीक है तो इन सैंपल्स को बच्चे रखने के लिए आपका किसका इस्तेमाल किया जाएगा एक लैब बनाई गई ठीक है लैब जो बनाई गई है वो बनाई गई है आपके फरीदाबाद हरियाणा में 2022 में से इनोग्रेशन किया इसका इनोग्रेशन किया गया था और इसका नाम क्या है बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आई इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ठीक है तो अगर आपको पूछा जाए कि आई बी डी पर है या आपका फरीदाबाद हरियाणा में है याद रखना इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर

परियोजना अभी जाकर ये 2024 में खत्म हुई थी इससे पहले बच्चे एक और परियोजना आपके खत्म कर चुके हैं इंडिया के साइंटिस्ट वो 2006 में आपकी खत्म की थी ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इस परियोजना के बारे में यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो बहुत बेसिक बेसिक है आई आई एस जो है आपका ये कहाँ पे है बेंगलुरु में है आपको पूछा जाएगा कि जो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसे कौन लीड कर रहा है तो इसमें जो मंत्रालय जो बचे वो आपका साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है ठीक है साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ने जो है इस काम को करने के लिए दिया है दो जो बड़ी दो जो बड़े आपके सेंटर है एक तो आईआईसी आईसी बेंगलुरु है और दूसरा आपका सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है ठीक है तो ये दो इंस्टीट्यूट जो है इस परियोजना को लीड कर रहे हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहां के जो साइंटिस्ट हैं रिसर्चर्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं ठीक है ठीके? तो इसे थोड़ा सा याद रखना और इस काम के लिए जो आपका नया सेंटर बनाया गया है दो में बच्चे आपका सेंटर बना है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो कि हमारे देश का इकलौता आपका बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है इकलौता बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है और है कहां पर फरीदाबाद हरियाणा है ठीक है तो इतनी बेसिक चीज़ें भी आपको याद रखनी है अगला क्या है गवर्नमेंट स्कीम एक और सरकारी योजना इसका इनोग्रेशन किया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ठीक है राजनाथ सिंह के द्वारा अदिति अब इन, इस इनिशिएटिव का नाम है अदिति अदिति का फुल फॉर्म देखें एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स ठीक है अब ये जो अदिति स्कीम है बच्चे इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास नवाचार के लिए स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक ही अनुदान सहायता प्रदान करना ठीक है आप लोग देखते हैं ना हम आए दिन जो है जैसे कि आपने हमने जैसे स्पेस एक्सा स्पेस एक्स क्या है आपका अमेरिकन कंपनी है ठीक है स्पेस के सेक्टर में काम कर रही है लेकिन ये कभी ना कभी तो आपका स्टार्टअप था कभी तो कभी ना जो इस कंपनी के द्वारा जो है शुरुआत की गई होगी ना तो स्टार्टिंग में आपका स्टार्टअप था आज आप लोग देख रहे हैं कि नासा से ज़्यादा हम स्पेस की जो है खबर

सरकार ने 25 करोड़ रुपए का अनुदान की घोषणा की है जो भी आपके स्टार्टअप हो रहे में काम करना चाहते हैं।, काम करना चाहते हैं उनके लिए आपका ट्वेंटी करोड़ का अनुदान करने की घोषणा की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा और स्कीम का नाम आपको याद रखना है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ विद ठीक है? तो डिफेंस के सेक्टर में आपका info, जो टेक्नोलॉजीज होती है उसको आ, आपका उसको या फिर इनोवेशन को इंक्लूड करने के लिए जो स्टार्टअप होंगे उन्हें जो है सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा आपका इंकरेज किया जाएगा ठीक है इसी को लेकर के आपका अदिति योजना है चलिए तो जो आज आपकी भारी भरकम सी न्यूज है बच्चे चाहे आपका ये बायोलॉजिकल ये जो मैंने आपको बताया इंडियन जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट हो गया आपका ठीक है जूस डेकिंग हो गया अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए जरा समझ में आई या नहीं आई क्योंकि इन्हें समझना बहुत जरूरी है न्यूज़ यहाँ से प्रश्न जो बनेगा यहाँ से वो कैसे बनेगा बच्चे ठीक है इंडियन नेवी का रिजल्ट कब तक आएगा इन खबरों को समझ गए आप लोग दो जो आपको नई नई खबरें बताई हैं एक तो आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है और दूसरा जो है आपका जूस ड्रेकिंग वाली जो न्यूज है ठीक है समझ में आने चाहिए आपके टर्म क्योंकि वहां पे सिर्फ न्यूज ही आपके इंपोर्टेंट नहीं है जैसे जूस देखेंगे बच्चे तो आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म है यह आपका कंप्यूटर में पूछा जाएगा ठीक है तो आपको याद रखनी है चलिए अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर का है स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी आई क्यू ए आई आर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है अब ये जो आपकी रैंकिंग है ये आपकी बदलती रहती है ठीक है ये आपकी बदलती रहती है, है फिलहाल बताइए समोसा पार्टी ठीक है समोसा खाने के लिए आपको यहाँ आना होगा पहले और सिलेक्शन के साथ में फिर समोसा क्या फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा कहाँ कौन सा है बच्चे अभी आई क्यू ए आई आर के द्वारा बताया गया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है ये बीजिंग चाइना बीजिंग चाइना ठीक है और ये अपडेट होती रहती है ठीक है इसे मैं अपडेट करके आपको बताऊंगी फिलहाल ये आपका पुराना है IQAR का बीजिंग अच्छा अभ्यास हरिमो शक्ति ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है बताइए हरिमो शक्ति में भारत के साथ में और कौन सा देश हिस्सा लेता है देखिए भारत के साथ में मलेशिया है श्रीलंका है म्यांमार है या फिर आपका फ्रांस है कौन सा कंट्री है जो कि भारत के साथ में इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेता है बताइए कौन सा एक्सरसाइज है अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और किसके बीच में होने वाला है भारत और मलेशिया के बीच में इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है अभ्यास हरिमो शक्ति अगला है 2023 में किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के सातवें संस्करण की मेजबानी की है कहाँ पे हुआ है ये सम्मेलन का नाम है सम्मेलन है आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ठीक है ये जो आपका निवेश रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है 2023 में कहां पर हुआ था ये सऊदी अरेबिया में हुआ बच्चे ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरेबिया अगला प्रश्न है आपका वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का मुख्यालय कहां पे है यूनाइटेड नेशन का एक फोरम है जो कि फॉरेस्ट पे है ठीक है वनों के लिए है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है बताइए जल्दी से जंगलों के लिए वनों के लिए यूनाइटेड नेशन का जो फोरम है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे ये है आपका न्यूयॉर्क में ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क अगला प्रश्न है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ये कहां पर स्थित है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ये जो आपको बच्चे जमरानी बांध है ना ये दो देशों के बीच में मतलब भारत के बीच में और दूसरा एक और कंट्री है जिसके बीच में क्या है विवाद का मुद्दा है तो बताइए जरा दूसरा कंट्री कौन सा है और है कहाँ पर कौन से स्टेट में है जमरानी बांध जमरानी बांध कहाँ पे बचे? उत्तराखंड में है जमरानी बांध उत्तराखंड में है और ये जो बांध देशीय परियोजना है ये भारत और कौन से कंट्री के बीच में अब देखिए उत्तराखंड में ही है ठीक है तो थोड़ा सा सेंस लगाइए बच्चे उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो कौन कौन सी कंट्री से रिलेट होती हैं उत्तराखंड अपनी जो बाउंड्री है वो किसके साथ में बनाता है वेरी गुड उत्तराखंड आपने बिल्कुल सही बताया देश बताइए अगला है यूरोपियन यूनियन का सखारो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है नेपाल के साथ में वेरी गुड इंडिया और नेपाल के बीच में है ठीक है भारत और नेपाल के बीच में 2023 का सखारो पुरस्कार किसे दिया गया है ये दिया गया है आपका जिना महासा अमीनी को जिना महासा अमीनी को अगला है भारत के पहले तरल नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है नैनो डीएपी इस बार के बजट में आप लोगों ने देखा ना सरकार जो है कोशिश कर रही है कि नैनो डी का प्रचलन जो है लोगों के बीच में बढ़े क्योंकि ये आपका कैसा फर्टिलाइज़र है ये उर्वरक कैसा है जो कि इन्वायरमेंट के लिए आपका बहुत अच्छा है इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र है ठीक है तो इसी का बच्चे प्लांट जो है आपका बनाया गया है आपको बताना है कहाँ पर बनाया गया पहला तरल नैनो डी डी ए पी प्लांट ये बनाया गया आपका कहां पे बनाया गया ये गुजरात में वेरी गुड गुजरात में बना है और गुजरात में जो जगह है उसका नाम है गांधीनगर ठीक है गुजरात में बना है गांधीनगर में अगला है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या है बताइए बच्चे केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा अभी कुछ महीनों पहले एक कपास का ब्रांड लॉन्च किया गया था इसका नाम बताना है आपको गुजरात गांधी गुजरात गांधीनगर गांधीनगर में है तरल डीएपी का प्लांट क्या नाम रखा है सरकार ने इसका कॉटन ब्रांड कॉटन ब्रांड है बच्चे कॉटन भारत देखिए सभी में कॉमन है बस आगे का आपको बताना है क्या है कस्तूरी ठीक है कस्तूरी कॉटन भारत इस ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत अगला है अमेरिका ने कथित तौर पर किस देश को मिसाइल घटकों की आपूर्ति के लिए चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध पर लगाया है बताइए बताओ बच्चे आपको पता है जैसे मिसाइल्स हैं ठीक है आप मिसाइल को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं ठीक है थीके? तो मिसाइल के जो कंपोनेंट हैं वो इनमें से एक कंट्री जो है वो चाइना की कंपनी से मतलब चाइना से जो है इंपोर्ट कर रहा था खरीद रहा था ठीक है तो इस पर जो है बैन लगा है यूएसए ने कौन सा कंट्री है ये कौन सा कंपनी कौन सा कंट्री है बचे पाकिस्तान वेरी गुड ये है आपका पाकिस्तान ऑप्शन नंबर सी चलिए आज के आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं आप लोगों को मिलते हैं अब कल आप लोग आंसर बताइए आंसर बताइए बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून का नाम किस देश ने रखा था किस देश ने रखा था ये बंगाल की खाड़ी में बचे आपका तूफान आया था इसका नाम है हामून इसका जो नाम है ये रखा किसने था ईरान वेरी गुड ईरान ने रखा था ऑप्शन नंबर सी ईरान अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है गुफा ठीक है अब एक एक करके देखिए अमरनाथ सभी को पता अमरनाथ की गुफा कहाँ पे है यह आपका जम्मू कश्मीर में ठीक है बादामी की जो गुफा है ये आपको मिलेगी कर्नाटका में कर्नाटका में ठीक है <coughs> बोरा बोरा की जो आपकी गुफा है ये मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में और एलोरा की जो आपकी गुफा है ये होगी आपकी महाराष्ट्र में प्रश्न आपको आसान है लेकिन बाकी भी पता होनी चाहिए ठीक है बादामी कर्नाटक में अमरनाथ जम्मू कश्मीर में बोरा आपके आंध्र प्रदेश में और एलोरा जो है आपकी महाराष्ट्र में है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है बहुत आसान सा प्रश्न है यह भी आप फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं बहुत बार पूछा जाता है ठीक है तो भारत का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है बताइए कौन सा है बच्चे केबुल लाम जाओ केबुल लाम जाओ अगला है जैब यह शब्द जो है इनमें से कौन से खेल से संबंधित है जेब जैब आपका क्रिकेट में संबंध क्रिकेट में इस्तेमाल होता है बॉक्सिंग में होता है बिलियर्ड्स में होता है या फिर बास्केटबॉल में होता है केबल उल जाओ लोकटक लेक और मणिपुर यह भी याद रखना ठीक है लोकटक झील में आपका एक केबल आम जाओ है और स्टेट कौन सा है आपका मणिपुर है और जैब जो शब्द है इसका इस्तेमाल होता है बॉक्सिंग में कहा पे इस्तेमाल होता है इसका बॉक्सिंग में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है एक हिंट मैं आपको देती हूं यह झील जो है आपके उत्तर प्रदेश में है बताओ बच्चे उत्तर प्रदेश में हो और जिस नदी पे आपका ये डैम बना हुआ है वो है आपकी रेहंद नदी ठीक है बताओ रेहंद नदी पे जो आपका बना हुआ डैम है जो वाटर रिजर्वियर है उसे कहा जाता है आपका बताओ कौन सा है ये वेरी गुड गोविंद वल्लभ पंत सागर गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत में कृत्रिम सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ठीक है और ये बच्चे आपका रिहंद नदी पे बनाया हुआ डैम है जो वाटर रिजर्वियर है जो जलाशय है उसे उसका नाम दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर ठीक है है कहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में है दूसरा जो महाराणा प्रताप सागर है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और नदी कौन सी है यहाँ पे पोंग नदी है पोंग नदी पे बना हुआ डैम है ये ठीक है तो पोंग नदी पे हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका यूपी में है रिहंद नदी पे

2019 में लॉन्च की गई थी ठीक है और इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है इस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और दूसरा क्या है ये जो आपकी स्कीम है 18 से लेकर के 40 सत 18 से लेकर के 40 साल तक के जो लोग हैं वो जो है आपके इस योजना के लाभान लाभान्वित होंगे मतलब इस योजना से ठीक है यहाँ पे अपना नाम लिखा सकते हैं लेकिन एक आपकी विशेष बात है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है सरकारी व्यक्तियों को नहीं लाभ मिलेगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं ठीक है ठीके, उन लोगों के लिए आपका मासिक, न, आ, मासिक पेंशन कह सकते हैं आप ठीक है पेंशन देने को लेकर के आपकी योजना है तो बताइए 2019 के की जो स्कीम इस है इसमें कितना रुपए दिया जाता है एक महीने में कितने रुपए मिलते हैं तीन हजार वेरी गुड थ्री थाउजेंड तीन हजार रुपए मिलता है इसमें ठीक है याद रखना बच्चे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में जो है ये आपकी लॉन्च की गई थी ठीक है और किसके लिए की गई थी जो अनऑर्गेनाइज से आ, सेक्टर की जो लेबर हैं ठीक है ठीके? उनके लिए उन लिए उन श्रमिकों के आपकी योजना है ताकि क्योंकि बच्चे जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो प्राइवेट में भी आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उन्हें आपको पता है ना एक सर्विस के बाद में जैसे उनकी सर्विस समाप्त होती है उसके बाद में उनको पी मिल, मिलता है ठीक है लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इन्हें जो है आपका पीएफ की जो आपकी सुविधा है वो भी नहीं दी जाती है तो उन लोगों के लिए आपका उनके जो आ, काम करने की जो उम्र है उसके बाद में उन्हें क्या दिया जाएगा एक पेंशन दी जाएगी और कितनी दी जा रही है तीन हजार है तीन हजार रुपए महीने में चलिए आज का जो आपका टॉपिक है ये है तो एक ही टॉपिक लेकिन बहुत बड़ा विषय गवर्नमेंट स्कीम सरकारी योजनाएं सरकारी योजनाओं को सरकारी योजनाएं खास करके जो 2014 के बाद से ठीक है ट्वेंटी फोर्टीन के बाद से जो आपकी योजनाएं आई हैं ना उन्हें देख लेना चौदह में कौन सी आई है पंद्रह में कौन सी आई है सोलह सत्रह अठारह उन्नीस सारी की सारी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो दो हजार चौदह से लेकर के अभी तक दो हजार तेईस तक जितनी स्कीम आई है और कौन सी बड़ी स्कीम है जिसका प्रचार ज्यादा होता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना है जिसके आपने होर्डिंग्स देखे हैं वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वच्छ भारत योजना मेक इन इंडिया स्किल इंडिया ठीक है तो ये जितनी भी आपकी स्कीम्स है और कोविड के टाइम पे जो आपकी इस तरीके से पैसे देने वाली जो स्कीम है मानधन योजना हो गई किसान वाली योजना हो गई आपकी ठीक है पी किसान योजना हो गई उसके अलावा जो है स्टार्टअप स्टार्टअप को जो इंक्रेज करने के लिए सरकार के द्वारा लाई गई योजना है उन्हें देख लेना ठीक है तो 2014 से लेकर के 2023 तक जो आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं अभी भी जो चल रही हैं ठीक है ठेके? उन्हें आपको देखना है कब आई थी कौन सी योजना और इन योजनाओं को मैंने आपको बहुत बार बता बताए हुए बच्चे ईयर ईयर वाइज पढ़ना चौदह में कौन सी आई थी पंद्रह में कौन सी आई थी सोलह में कौन सी आई थी इस तरीके से क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी योजनाएं आई हैं ठीक है चलिए अब आज का टॉपिक जो है ये इसे समाप्त होने में चार से पाँच दिन लगेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ठीक है बच्चे जो बजट होता है ना सरकार का जो बजट होता है जैसे कि अंतरिम बजट जो है इस बार निकाला गया है इस बजट के कंपोनेंट होते हैं बजट जो है किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है उसे कहते हैं घटक कंपोनेंट कहा जाता है ठीक है तो बजट के जो घटक होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं इंग्लिश में और यह आपका हिंदी में बजट गवर्नमेंट बजट जो है आपका दो प्रकार का होता है एक आपका रेवेन्यू बजट होता है एक आपका कैपिटल बजट होता है रेवेन्यू बजट को हिंदी में कहते हैं राजस्व बजट कैपिटल बजट को कहा जाता है पूंजीगत बजट ठीक है फिर जो रेवेन्यू बजट होता है ये फर्दर दो प्रकार का होता है इसमें आपकी दो चीजें होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ठीक है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय होता है जब आप इन चीजों को समझेंगे ना तब थोड़ा सा ये आपका, आपका आसान होगा क्योंकि इनके नाम ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट ठीक है ठीके? तो कंफ्यूज मत होइएगा इसको हम बीच से दो कर देते हैं और पहले आपका ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे फिर आपका ये वाला हिस्सा पढ़ा जाएगा ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले वालेगी कैपिटल बजट क्या होता है आपका सरकार का बजट याद रखना दो प्रकार का होता है एक तरफ आपका राजस्व बजट है एक आपका पूंजीगत बजट है पूंजीगत बजट के भी आपके दो हिस्से होते हैं एक आपका कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय होता है ठीक है तो ये भी आपका दो प्रकार क्या होता है फर्दर इसका भी जो है आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो फिलहाल आज जो है हम यहां से शुरू करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं धीरे धीरे इन सभी को जितने भी आप कंपोनेंट देख रहे हैं बच्चे ये हो गया ये हो गया सारे के सारे जो है हम कंपोनेंट कर लेंगे ठीक है बेसिकली यहां पे क्या है ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दो चीजें हैं सरकार का पैसा आता कहां से? सरकार की कमाई कहां से होती है और सरकार का पैसा खत्म कहां पे होता है सरकार का खर्चा क्या है ठीक है।, है, है।, है।, है? है और सरकार का पैसा जाता कहां पर है ठीक है बस ये दो चीज है इन दो चीजों पर ही आपका पूरा का पूरा बजट है इन नामों से मत घबराइएगा नामों में ही जो है कहीं पे इनकी डेफिनेशन है ठीक है आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल

आज आपने किसी से जो है पांच सौ रुपए उधार लिए तो, तो, तो देना है तो एक से आपने आप क्या लिया? आपने कर्जा चढ़ा लिया तो कर्ज को कहा जाता है लाइबिलिटीज तो सरकार का ऐसा पैसा जो कि सरकार के ऊपर लाइबिलिटीज ला दे उसे कहा जाता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां ठीक है कैपिटल रिसिप्ट याद रखना ठीक है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं दो प्रकार की होती है

ये क्या है आपका एक नेगेटिव टर्म है मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता है कि किसी भी सरकार का कैपिटल रिसीव बहुत ज्यादा हो क्योंकि दो चीजें हो रही हैं इसमें एक तो सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है और दूसरा सरकार की जो संपत्तियां हैं जो एसेट्स हैं हमारे संपत्तियां हैं वो खत्म हो रही है ठीक है याद रखना तो ये कई बार यहां से घुमा फिरा करके पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी प्राप्तियां हैं कौन सी ऐसी प्राप्तियां हैं जिसमें सरकार के ऊपर देनदारियां बढ़ती हैं सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ता है वो होता है बच्चे आपका कैपिटल रिसिप्ट ठीक है क्लियर हो गया जल्दी से मुझे बताओ दो चीजें है एक तो डिस है विनिवेश है जब सरकार अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दे रही है और दूसरा जो है सरकार किसी से लोन ले रही है अगर ठीक ठीक है 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 उधार लिया हमने आज तो तो पैसा आ गया लेकिन भविष्य में उसे देना भी तो है, जैसे कि आपका सेविंग आ, होती अधिकतर है, है ना हम जो है, पोस्ट ऑफिस में पैसा देते हैं वो किसके काम आता है सरकार के काम लेकिन भविष्य में जब हमारी अपडी पूरी हो जाएगी पोस्ट ऑफिस में वो किसे मिलेगा सरकार को हमें देना पड़ेगा ठीक है तो आज तो उनके लिए इनकम है लेकिन फ्यूचर में हमें वापस करना पड़ेगा तो इस तरीके की जो आपकी रिसीविंग होती है गवर्नमेंट के लिए वो सारी की सारी होती है कैपिटल रिसिप्ट ठीक है याद रखना इसे एक बार <coughs> डिस इन्वेस्टमेंट है आपका दूसरा है मनी रिसीव्ड इन द बोरोइंग रिपेमेंट ऑफ द लोन द दिस बताओ आया कि नहीं आया समझ में बाकी बच्चे भी बताइए भाई आया या नहीं आया नहीं आए तो दोबारा बताते हैं क्योंकि ये छोड़ नहीं सकते हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये छोड़ा नहीं जा सकता है आप ठीक है अगर आप एसएससी में बैठने जा रहे हैं ना तो इकोनॉमिक्स का ये वाला जो आपका पार्ट है बजट और खास करके इस समय जब आपका अंतरिम बजट और फिर जो है नई सरकार बनाएगी दोबारा से नया बजट लेकर के आएगी मतलब एक ही साल में दो बजट आ रहे हैं आपके तो बजट वाला जो टॉपिक है ये आपका हर तरीके से इंपॉर्टेंट है देखिए करंट अफेयर्स में मैंने आपको सारे का सारा करवा दिया है बजट से रिलेटेड और अब जो है आपका ये स्टैटिक है तो बजट के जो कंपोनेंट होते हैं आपको समझ में आने चाहिए नहीं समझ में आए हो तो मुझे मैसेज कर देना ठीक है ये चीज़ें समझा दी जाएंगी और ये जो है अपने पास में लिख करके रख लेना कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिखी है अपना पीएसयू पीएसयू को बेचना वो आपका कैपिटल रिसिप्ट बेच करके पैसा आएगा ठीक है पैसा तो आ गया चलिए आज हमारे पास में फ्यूचर में क्या होगा हमने अपनी एक आय का जो स्रोत था इनकम जो परमानेंट इनकम आ रही थी उस पीएसयू से वो हमने खत्म कर दी हमने वो अपनी जो संपत्ति थी वो खत्म कर दी दूसरा क्या है लोन हमने आज किसी से लोन लिया आज तो पैसा आ गया लेकिन फ्यूचर में हमें वो पैसा वापस देना पड़ेगा हमने अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया ठीक है तो याद रखना ये आपका नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल किया जाता है ये वाली जो आपकी ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर ये ज्यादा हो गई बच्चे तो इसका मतलब है सरकार जो है फ्यूचर में आपके घाटे में जाने वाली है ठीक है तो इस बजट का ये वाला जो पॉइंट है, आज हमने कर लिया फिर जो है कल हम बाकी हिस्से को कंप्लीट करेंगे ठीक है? हमारे फेसबुक पे मेक इजी स्किल्स का पेज बना हुआ है और मेक इट इजी ठीक है मेन चैनल का पेज बना हुआ है इन दोनों को जो है आपको सब्सक्राइब करना है फॉलो करना है जो भी करते हैं मतलब इधर वो कर देना है ठीक है चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं मिलते हैं कल के सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद